लगभग बाहर हो चुके हैं। कल ही इस बात का देशा था कि जब ये कहा गया उनको बैक इंजरी है और कल के मैच में खेले नहीं थे, लेकिन अब उनकी इंजरी इतनी सीरियस है कि उनको NCA रेफर किया जा रहा है और सिलेक्टर्स की आज मीटिंग भी हुई है। एक उसमें इस बात पर उन्होंने चर्चा भी की है और सिलेक्टर्स इस बात को समझ गए हैं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। और अब सवाल यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप नहीं जाते हैं तो भारत ए कमजोर हो जाता है। आपकी गेंदबाज चार ही थे तेज, उनमें एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर एक ही थे जसप्रीत बुमराह। आपने मोहम्मद शमी को उनका कवर रखा था, वो रिजर्व थे, लेकिन मोहम्मद शमी को जब कोविड हो गया वो पूरी सीरीज खेले नहीं। अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी शायद वो आपको नहीं देख रहे हैं। इस लिहाज से अब बड़ा पेचीदा मामला ये है कि जसप्रीत बुमराह अगर बाहर हो गए हैं, जब आपके पास एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर था जिसका खौफ T20 में पूरी दुनिया में था, तो रिप्लेसमेंट कौन होगा? और सिलेक्टर्स ने दो रिप्लेसमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, फिलहाल दो रिप्लेसमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है बुमराह के लिए, और उनमें से दीपक चहर फिलहाल नहीं है। दीपक चहर फिलहाल रिप्लेसमेंट नहीं है, और जो दो रिप्लेसमेंट्स हैं उनमें एक है मोहम्मद शमी। सिलेक्टर्स ये गैम्बल लेने को फिलहाल तैयार है कि अगर मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेलते, उसके बावजूद वो वैसे भी जा ही रहे थे ऑस्ट्रेलिया एज अ रिजर्व जा रहे थे, लेकिन वहां जाकर क्या हम मोहम्मद शमी को टीम में डालें, या फिर मोहम्मद सिराज भी एक विकल्प है। मोहम्मद सिराज के नाम पर भी काफी उन्होंने चर्चा की है। हालांकि मोहम्मद सिराज ने जब एक दो साल पहले जबरदस्त गेंदबाजी की थी रेड बॉल क्रिकेट में, उनको व्हाइट बॉल भी खिलाया गया था, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, बट उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी और क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे थे वहां पर, उन्होंने विकेट ली थी रेड बॉल के साथ, तो वो भी एक कैंडिडेट है। तो फिलहाल जो खबर है स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूं कि बुमराह आपको वर्ल्ड कप में नहीं नजर आएंगे और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर फिलहाल मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से एक होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि दीपक चहर का क्या होगा? क्या दीपक चहर अभी भी रिजर्व रहेंगे या फिर दीपक चहर भी कंसिडरेशन में आ सकते हैं? दीपक चहर कंसिडरेशन में तभी आ सकते हैं जब आप ये सोचें कि हमें तीन स्पिनर्स नहीं चाहिए, हमें दो स्पिनर्स और पांच तेज गेंदबाज चाहिए, तो आप दीपक चहर को भी लेकर जा सकते हैं। और क्योंकि दीपक हुडा इंजर्ड थे, उनकी भी बैक इंजरी थी, उनको भी NCA भेजा गया था, तो ये एक सवाल लोगों ने उठाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक हुडा की जगह दीपक चहर को ड्राफ्टिंग कर दिया जाएगा। फिलहाल दीपक हुडा पर खबर ये है कि वो ठीक हो जाएंगे, दीपक हुडा ठीक हो जाएंगे, वो वर्ल्ड कप की टीम में है और वर्ल्ड कप की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दैट मीन्स उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी कि आप उनको रिप्लेस करके पांचवें तेज गेंदबाज को ले रहे। लेकिन अब ये आपको चर्चा करनी होगी कि क्या रविचंद्रन अश्विन आपको थर्ड स्पिनर चाहिए, या फिर जब आप बुमराह के लिए एक रिप्लेसमेंट यानी कि सिराज और शमी में से एक को रखें तो एक एडिशनल पांचवा तेज गेंदबाज दीपक चहर को रखें। उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है, शायद वो वक्त के साथ साथ अगर लिया जाता है तो लिया जाएगा, लेकिन ये बड़ा झटका है क्योंकि भारत को दिक्कत डेथ ओवर में भी आ रही है और बुमराह के आखिर के जो दो ओवर होते थे वो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उसके सामने फेल होते थे। सवाल ये भी आ जाता है कि बुमराह की बैक इंजरी इतनी सीरियस बार बार क्यों हो रही है? आपको याद होगा वो इंग्लैंड में जब जुलाई में खेले उसके बाद वो रेस्ट किया उन्होंने और तभी से ये बात आ गई थी कि उनकी बैक में दिक्कत है। तो रेस्ट करने के बाद आए, वो 8 ओवर का मैच खेले, उसके बाद उन्होंने जो आखिरी मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें 4 ओवर भी किए, हालांकि 50 रन भी मिले। लेकिन अब जब साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हुई तो ये कहा गया कल कि परसों उनको प्रैक्टिस में दोबारा से दिक्कत आई और पहले मैच में वो रूल्ड आउट, और अब खबर ये कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस है कि वो NCA जाएंगे और शायद वर्ल्ड कप से भी बाहर ही हैं। शायद लफ्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाते इस बात का अंदाजा टीम को सिलेक्टर्स को हो चुका है कि बुमराह वर्ल्ड कप में नहीं नजर आएंगे। और बुमराह की रिप्लेसमेंट फिर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद शमी जो खेले नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया बिना खेले जाएंगे, एक वो है कैंडिडेट, और दूसरे कैंडिडेट है मोहम्मद सिराज। इन दोनों में से एक बुमराह की रिप्लेसमेंट होंगे। अब रिप्लेसमेंट अभी से अनाउंस होगी या 2 दिन बाद अनाउंस होगी, ये वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन ये भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। वैसे भी भारत की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर दिख रही थी, स्पेशली डेथ बॉलिंग कमजोर दिख रही थी, और अगर बुमराह जैसा तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है, भारत की टीम को कमजोर बनाता है। बुमराह बाहर, सिराज शमी में से एक रिप्लेसमेंट होगा, और दीपक चहर अगर जाते हैं तो वो पांचवें तेज गेंदबाज, लेकिन उसके लिए एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। दीपक हुडा ठीक हो जाएंगे, वो फिलहाल टीम में बने हुए हैं,
और वो टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन इस पर और अपडेट्स आती रहेंगी, आई एम श्योर इस पर अपडेट्स और आती रहेंगी। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं हुआ, आज सेलेक्टर्स की मीटिंग भी थी जो तकरीबन 12 बजे